सब्सक्राइब कीजिए फूड ओपीट चैनल को एंड हिट कर दीजिए बेल आइकन को ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुषमा, आप देख रहे हैं फूड ओपीट। तो चलिए आज कुछ नया बनाते हैं। तो चलिए आज हम बनाएंगे तिवड़ा की भाजी। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्टी भाजी रहती है। बाकी भाजियों की अपेक्षा इस भाजी का जो टेस्ट है ना, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट रहता है। और ये हमने यहाँ खेत से तोड़ के लाया है। ये इस भाजी को विलेज स्टाइल में बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी भाजी लगने वाली है। बाकी भाजियों की अपेक्षा इस भाजी का जो टेस्ट है ना, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट लगेगा। तो चलिए इसको हम बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम इसको 2 से 3 पानी धो लेंगे और इसे हम बारीक काट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने भाजी को बारीक काट लिया है। इस तरीके से भाजी को बारीक काटना है। इससे क्या है, जितना ज़्यादा बारीक काटेंगे उतनी अच्छी भाजी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने फ्राई करने के लिए ये सारे इंग्रीडियंट्स निकाल के रखा हुआ है। तो यहाँ मैंने लिया है ये प्याज के पत्ते हैं, और आप इससे थोड़ी ज़्यादा मात्रा में भी ले सकते हैं। जितना ज़्यादा लेंगे उतनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और ये जो है लहसुन के पत्ते हैं, और ये 4 टमाटर लिया है, और ये 5 से 6 हरी मिर्च लिया है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं। अगर मिर्च कम खाना पसंद करते हैं तो कम ले सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पर फ्राई करने के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ कढ़ाई रख दिया है और इसमें हम ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल थोड़ा सा हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हम सूखी भाजी बना रहे हैं इसकी। तो ये जो पत्ते हमने दिखाए थे अभी आपको, ये लहसुन प्याज के पत्ते, इसे हमने बारीक काट लिया है और इससे हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ जो ग्रीन भाजी बन रही है, ये इससे हम पत्ते भी ग्रीन ही हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, और हरी मिर्च भी डाल दिया है इसमें बारीक चॉप करके। अब यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं पत्ते को भूनने में। ये देखिए इस तरीके से हम पत्ते को भून रहे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है इसमें। 2 स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर मिर्च कम खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो भाजी है थोड़ी स्पाइसी ही अच्छी लगती है। और यहाँ सिर्फ हम मसाला नहीं डालेंगे इस भाजी में, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे बट बहुत ही टेस्ट लगेगी। और ये जो टमाटर है इसे भी हमने बारीक चॉप करके डाल दिया है इसमें, और टमाटर को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये अच्छे तरीके से गल ना जाए। और नमक ऐड कर देंगे यहाँ पर हम इसमें, 2 स्पून नमक ऐड करेंगे। और इसको हम भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। टमाटर देखिएगा गल चुके हैं आधे। इसमें मटर डाल देंगे। मटर डालने से जो भाजी का टेस्ट है ना, बहुत ही बढ़िया आता है। बीच बीच में जब कोई जाने चपते हैं, चाहे आप मटर के डालें या तुअर के डालें, और कोई भी अगर आप इसमें दाने डालें तो बहुत टेस्टी लगती है। अभी इस भाजी को हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर भाजी को 15 से 20 मिनट का समय लगेगा पकने के लिए। और इसमें हम अच्छे तरीके से चम्मच चला देंगे ताकि जो मसाले डले हैं इसमें अच्छे से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सब्जी में चम्मच चलाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है, और भाजी देख सकते हैं आप इतनी ज़्यादा मुरझा गई है, मतलब कम हो गई है। और इसको अभी हम थोड़ा ढक के रख देंगे। 5 मिनट बाद फिर हम इसे चेक करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में हमें भाजी को चेक करते रहना है। तो ये देखिएगा 5 मिनट बाद हम भाजी को चेक कर रहे हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं पानी कितना ज़्यादा निकला हुआ है। तो इसी पानी में भाजी आराम से पक जाएगी। वाह, क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तिवड़ा की भाजी जो है बहुत ही डिफरेंट टेस्ट लगता है इस भाजी का। और यहाँ पे अभी हमने 5 मिनट के लिए ढक दिया है। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 से 20 मिनट होने जा रहे हैं भाजी को पकने में। तो हमारी भाजी जो है पक के रेडी हो चुकी है, बहुत ही अच्छे से पक चुकी है, सूखी भाजी बनी है बिल्कुल। और इसमें हमने धनिया पत्ती डाल दिया है। ये भी बिल्कुल देसी धनिया, फ्रेश धनिया है। इसका जो टेस्ट है ना फ्रेश धनिया का, बहुत ही ज़बरदस्त आता है। यहाँ पे हमने धनिया पत्ती डाल दिया है, और ये भी बिल्कुल फ्रेश धनिया डाला है। तो खुशबू जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। और इसे हमने एक सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे आप सर्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे चावल की मोटी रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगी। रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन की बटन है, उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।